प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान की जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं वो सिरफिरे लोग हैं और उनका विरोध कांग्रेस पार्टी करवा रही है, इसी मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का कहना है कि उनका कहना है कि भाजपा की मानसिकता किसानों के प्रति कैसी है, इससे साफ जाहिर हो रहा है। और तभी बीजेपी के गांव के अंदर विरोध हो रहे हैं। बीजेपी के समय में प्रदेश में किसानों के ऊपर लाठियां चली हैं, पहली बार किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया है और इसी के चलते किसान रोष व्यक्त भी करते रहे हैं वक्त वक्त पर। कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के साथ खड़ी हुई है और किसी के भी साथ अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ देगी। कांग्रेस हमेशा किसान संगठन के साथ खड़ी रही है। लाल देश लगातार अहंकार से बड़े हैं। जब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे। जब किसान आंदोलन कर रहा था तो आपने देखा नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि डंडे उठा लो जैसे को तैसा। इनके राज में पहली बार हरियाणा प्रदेश में जातीय दंगे हुए, इनके राज में पहली बार पुलिस की गोली से लोग मरे, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई। जो कोई महिला रोजगार मांगने गई अपने बच्चों के लिए तो कहने लगा कि चांद पे भेज देंगे, कोई वर्कर इनके मुकुट पुराने लगा कहने लगा प्रोसेसर काट देंगे। तो इनका अहंकार बहुत सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ है और एक बार फिर इनकी जो मानसिकता इनकी जुबान पे आ गई कि किस प्रकार किसानों के बारे में इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। वो अन्नदाता जो गर्मी सर्दी की परवाह न करके इस देश के लोगों का पेट पालता है, उनके प्रति इस प्रकार की छोटी मानसिकता रखना बहुत ही बुरी बात है।